वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 11 की जो अंतरा की बुक है उसका भाग वन का गद खंड, उसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ईद का, तो उसी के मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी एंड आई होप आपको फुल चैप्टर इस वीडियो में मिल जाएगा एंड समझ भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी एंड मैं आपको समझाती जाऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा पूरा चैप्टर, आपको आई होप अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ईद का त्यौहार चल रहा होता है और ईद के अवसर पर क्या होता है चैप्टर में, ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सभी लोग कामकाज निपटाकर ईद के मेले में जाने की जल्दी में हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं, उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि घर के काम वाम से उन्हें कोई मतलब नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चों को तो यह भी नहीं मालूम कि उनके जो अब्बाजान हैं वो ईद के पैसों का इंतज़ाम करने के लिए चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं और यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना कर दे तो वह ईद का त्यौहार नहीं मना पाएंगे। उनका ये ईद की खुशी का अवसर जो है मुहर्रम जैसे मातम में बदल जाएगा। बच्चों को तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है। अब हामिद की बात करते हैं। हामिद जो है वो एक 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। अमीना जो है वो उसकी दादी हैं, वो उन्हीं के साथ रहता है। उसके माता पिता जो हैं वो पहले ही गुजर चुके हैं, परंतु हामिद को ये बताया गया है कि जो उसके अब्बा जान हैं वो पैसे कमाने गए हैं और उसकी अम्मी जान जो हैं वो अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं। अब बात करते हैं अमीना की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अमीना जो हैं वो हामिद की दादी हैं जिनके पास वो रहता है। तो अमीना जो हैं वो खुद सिवैया का इंतज़ाम के लिए घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेज देती हैं। मतलब जैसे ज़्यादातर ये होता है ना, सिवैया वगैरह बनते हैं ईद के दिन, तो वो सिवैया का इंतज़ाम करती हैं और वो हामिद को 3 पैसे दे देती हैं। 3 पैसे चलते होंगे उस टाइम पे, तो वो 3 पैसे दे के हामिद को भेज देती हैं। लेकिन जो है हामिद अपने दोस्तों के साथ जाता है, दोस्तों के साथ मतलब मोहसिन, महमूद, नूरे और सिमी भी उसके साथ चलते हैं। गांव से बच्चे मेले की ओर चल रहे हैं, हामिद भी उन्हीं के साथ है। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, फलदार वृक्ष आते हैं। बच्चे कल्पनाशील होने के नाते इसी तरह की कल्पनाएं तथा उन चीज़ों पर टीका टिप्पणी करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो भी रास्ते में चीज़ें आती हैं बच्चे यही करते हैं अक्सर, कि उनके मतलब हर चीज़ के बारे में जो भी दिखता है उनको उसी के बारे में टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं और उसी के बारे में बातें करते हुए चलते जा रहे हैं। तो यहाँ भी यही होता है। फिर रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा यहाँ सिपाही कवायद करते हैं। मोहसिन का कहना था कि यही पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं। हामिद को सुनकर आश्चर्य होता है। इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग अलग विचारधारा थी, तो मतलब जब पुलिस आई तो वो पुलिस के बारे में अलग अलग बातें करने लगते हैं। फिर यहाँ पर आगे कुछ चैप्टर में ईदगाह के बारे में बताते हैं। ईद क्या होता है, ईदगाह में नमाज का नज़ारा अलग ही था। नमाज के समय लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं तथा एक साथ उठते हैं। ऐसा लगता है उनके मन में उपास शिद्दत का भाव होता है। उनके भीतर की भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखती है। धर्म आपस के में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को समझते ही नहीं। कोई भी धर्म मनुष्य के बीच भेद नहीं करता। फिर ईदगाह में नमाज के पश्चात, मतलब ईदगाह में नमाज हो रही होती है और इधर ये लोग मेले में होते हैं बच्चे। हामिद के जो दोस्त हैं वो चरखियाँ पर झूलते हैं और परंतु हामिद जो है वो दूर खड़ा ही रहता है। खिलौनों की दुकान से महमूद, सिपाही, नूरे, वकील, मोहसिन, भिश्ती तथा सिमी, सब बच्चे जिनके मैंने नाम बताए, सब धोबिन खरीदते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, उसको भी खिलौने चाहिए होते हैं, परंतु साथ ही ललचाई निगाहों से उन्हें देखता भी है। सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिड़ा चिड़ा कर खाते हैं। फिर क्या होता है, मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है। दुकानदार से मोल भाव करके वह चिमटा खरीद लेता है। हामिद के तर्कों के कारण उसके सभी दोस्त उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौने किसी न किसी प्रकार टूट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि हामिद ने अपनी कोई भी चीज़ें नहीं ली, कोई के खिलौने नहीं लिए, उसने जो है दादी का उसको ख्याल आ गया कि दादी जो है रोटियाँ बनाती हैं और वो उनके पास चिमटा नहीं है, वो हाथ से रोटियाँ सेकती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं, तो इसी प्रकार उसी का ख्याल आया हामिद को, तो इसलिए उसने चिमटा ले लिया और दुकानदार से मोल भाव करके चिमटा खरीद लेते हैं। तो उसके दोस्त वो देखते हैं और उनको दोस्तों को बहुत अच्छा लगता है कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है। तो घर पहुंचते हैं तो बच्चों के खिलौने जो हैं टूट जाते हैं। फिर जब यहाँ पर हामिद जब घर पहुंचता है तो उसकी दादी अमीना उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगती है, परंतु अचानक एकदम वो चिमटा देखती है तो वो शौक जाती है, पूछती हैं हामिद से चिमटे के बारे में। तो हामिद बताता है कि उसने मेले से 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया। दादी उसकी नासमझी पर बहुत
क्रोध होने लगते हैं, गुस्सा होने लगती है और पूछती है कि पूरे मेले में उसको और कोई चीज़ खरीदने के लिए नहीं मिली जो उसने चिमटा खरीद लिया। हामिद जो है अपराधी भाव से बताता है, यानी कि इट मीन्स वो बहुत नर्वस सैडनेस होके बताता है कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए उसने चिमटा खरीदा। ये सुनकर जो दादी हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोध में थी, तुरंत वो स्नेह में उनका क्रोध बदल जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि उसने बच्चे को हामिद को मेले में भी अपना ख्याल नहीं आया, उसने अपने लिए कुछ चीज़ नहीं खरीदी, उसने दादी के लिए चिमटा खरीद लिया। तो फिर जो है दादी अमीना हामिद के त्याग, उसका स्नेह और उसका विवेक देखकर हैरान हो जाती हैं। सुबह से भूखा बच्चा दूसरों को मिठाई खाते देख कैसे इसने अपने मन को मनाया होगा, मेले में भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। ये सब सोचकर अमीना का मन गदगद होने लगता है। दादी जो है एक बालिका के सामने रोने लगती है, उनके एकदम आंसू आ जाते हैं। मैं दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी और तथा आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी, परंतु इस रहस्य को समझने के लिए हामिद छोटा था और दादी जो है वो भाव विभार हो गई थी, मतलब उन बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी वो, इसलिए वो रोने लगी थी। हामिद ये नहीं समझ पा रहा था कि वह तो दादी के लिए चिमटा लाया है, फिर दादी क्यों रो रही हैं, वो छोटा था इसलिए उसको नहीं समझ आ रही थी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है एंड बहुत अच्छी स्टोरी थी, आई होप आपको समझ आई हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।